भारत के खौफ से डर गया तालिबान, पाकिस्तान को दे दिए वार्निंग। आतंकी को लेकर तालिबान पाकिस्तान में आर पार, भारत करके रहेगा आतंकियों पर प्रहार। कल ही मसूद को लेकर पाकिस्तान ने बोला था झूठ, आज हो गई पाकिस्तान अफगानिस्तान में भयंकर फूट। एससीओ की बैठक से पहले पकड़ा गया पाकिस्तान, भारत मिटाएगा आतंकी मसूद का नामोनिशान। झूठ बोलना पाकिस्तान के हर हुक्मरान की आदत है। भारत में हमला करके अपने आप को पीड़ित बताने वाला पाकिस्तान की अब पोल खुल गई है और निकल गए हैं तालिबान के तीखे बोल। दरअसल हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। तालिबान ने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में होने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, तालिबान ने दावा किया कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है। तालिबान का ये बयान पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान को लिखे उस पत्र के बाद आया जिसमें मसूद अजहर की गिरफ्तारी की मांग की गई। पाकिस्तान ने FATF की कार्रवाई से बचने के लिए अफगानिस्तान को पत्र लिखकर मसूद अजहर को गिरफ्तार करने की मांग की थी। पाकिस्तान ने पत्र में कहा था कि मसूद अजहर को अफगानिस्तान के नंगरहार और कुनार इलाकों में छिपे होने की संभावना है, ऐसे में उसे गिरफ्तार कर सूचित किया जाए। अब इस पत्र पर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने जवाब दिया। तालिबान ने कहा कि जैश मोहम्मद चीफ अफगानिस्तान में नहीं है, ये एक ऐसा संगठन है जो पाकिस्तान में हो सकता है। वैसे भी वो अफगानिस्तान में नहीं है, उन्हें पाकिस्तान की सरकार से कोई पत्र नहीं मिला। हालांकि इस पत्र के बारे में समाचारों में सुना है, हम इस पर यही कहना चाहते हैं कि ये सच नहीं है। ऐसे आरोप काबुल और इस्लामाबाद के रिश्तों पर असर डाल सकते हैं। हम सभी पक्षों से बिना सबूत और दस्तावेजों के ऐसे आरोपों से बचने की अपील करते हैं। इस तरह के मीडिया के आरोपों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव में पाकिस्तान ने आतंकवादियों पर कार्रवाई जैसे कदम उठाने का दिखावा किया है ताकि वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर साजिद मीर पर भी कार्रवाई की। चौंकाने वाली बात यह है कि साजिद मीर को पाकिस्तान अब तक मरा हुआ बताता रहा। पाकिस्तान ये दावा करता रहा कि मसूद अजहर उसके देश में नहीं है बल्कि वो संभवतः अफगानिस्तान में है, जबकि वो पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क पर लगातार लेख लिखता है और युवाओं को कट्टरता के रास्ते पर चलने के लिए उकसाता रहता है। मसूद अजहर, जिसे पाकिस्तान लगातार बचाना चाहता है और भारत जिंदा दबोचना चाहता है, दरअसल ये जैश मोहम्मद का सरगना है और भारत में हुए कई आतंकी हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार। 1998 में कंधार विमान हाईजैक, जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमला, 2001 में देश की संसद पर आतंकी हमला, इन सभी के पीछे मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड बताया जाता है। मसूद अजहर UN सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है। खैर, मसूद जिंदा पकड़ा जाएगा या मुर्दा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि भारत के हत्थे चढ़ने के बाद उसे पाकिस्तान नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।